हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे पर फिर एक बार चीन का छलका दर्द और लद्दाख पर उगला जहर बता दिया अपना हिस्सा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर दोबारा अनुच्छेद 370 के खात्मे पर चीन ने क्यों की बयानबाजी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। दोस्तों बताएंगे एक्शन लिया है, साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे अटैकर्स को मिला था संसद का पास, कैसे इन्होंने ली थी एंट्री। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने दिया ऐसा बयान कि चीन और कनाडा के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो कभी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे पर चीन का छलका दर्द, लद्दाख पर उगला जहर बताया अपना हिस्सा। जी हां, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन भड़का हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर लद्दाख को लेकर जमकर उस जहर उगला है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि चीन ने कभी भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। प्रवक्ता ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन का भूभाग भी बता दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि उसने भारत के लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भारत सरकार संसद से लेकर दुनिया के हर मंच पर दो टुक शब्दों में कई बार बता चुकी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर अक्साई चीन तक का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन ने कभी भी भारत के एक तरफा अवैध रूप से स्थापित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं दी और भारत की घरेलू न्यायिक विवेचना इस वस्तुगत तथ्य को नहीं बदल सकती है कि चीन भारत सीमा पर पश्चिमी खंड चीन का है। चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी एक हिस्से पर अपना दावा करता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत की अखंडता को लेकर गलत बयानबाजी की हो। दोस्तों इससे पहले भी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में चीन का भारत के मामलों पर हस्तक्षेप करना, कश्मीर जैसे मुद्दों पर चीन का बयानबाजी, दोस्तों ये वाकई में दर्शाता है कि चीन को अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्यादा ख्याल रहता है। इस पर आपका क्या जवाब होगा, चाइना को बताइएगा जरूर। चलते और खबर की तरफ, जहां पर संसद सुरक्षा चूक मामले में बहुत बड़े एक्शन में गृह मंत्रालय जांच कमेटी का गठन, डीजी सीआरपीएफ को मिला अहम जिम्मा। बता दें संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद बुधवार को कुछ स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। लोकसभा सचिवालय का अनुरोध पर गृह मंत्रालय संसद भवन सुरक्षा चूक प्रकरण की जांच करेगा। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जांच के लिए डीजी सीआरपीएफ की देखरेख में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि आखिर संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कहां और किस स्तर पर गलतियां हुई हैं और भविष्य में इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सीआरपीएफ के पास संसद के बाहरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा है। शस्त्र के साथ सीआरपीएफ जवान संसद भवन परिसर में मौजूद रहते हैं। संसद भवन के भीतर इनकी एंट्री नहीं होती। संसद की सुरक्षा से जुड़े हर प्लान को बनाने में सीआरपीएफ ही लीड एजेंसी होती है। अन्य एजेंसियों के साथ डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मामले की जांच करेंगे। अनीश दयाल आईटीबीपी के डीजी हैं। उनके पास डीजी सीआरपीएफ का अतिरिक्त चार्ज है। अनीश इससे पहले काफी वक्त आईबी में भी बिता चुके हैं, इसीलिए इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी की वो अध्यक्षता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक संसद भवन की सुरक्षा चूक मामले की जांच करने के लिए बनाई गई कमेटी में कई एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। सारे दृष्टिकोण से ये एक्सपर्ट कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। लोकसभा सचिवालय की तरफ सुरक्षा में चूक प्रकरण के बाद एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसके तहत सांसदों को स्मार्ट एक्सेस कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा संसद परिसर में मीडिया ब्रीफिंग का भी एक खास पॉइंट निर्धारित किया गया है। जी हाँ, यहाँ तक कि सुरक्षा निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी सांसद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद संसद परिसर में दाखिल हों, यानी कि उनके फेस को स्कैन किया जाएगा और लेजिटिमेट यूजर होने के बाद ही उनको एंट्री मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं आखिर ये अटैकर्स अंदर घुसे कैसे। दरअसल स्मोक अटैकर्स को ऐसे मिला था संसद का पास। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने खोला
अकेला राज बता दें, लोकसभा में स्मोक अटैक ने सभी को चौंका दिया। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन आरोपियों को विजिटर पास कैसे मिला। इसको लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम की भी चर्चा हो रही है। सिम्हा ने ही आरोपियों में से एक को विजिटर पास जारी किया था। हमले के बाद सिम्हा ने हाउस स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि सिम्हा ने स्पीकर को बताया कि आरोपी के पिता सागर शर्मा उनके निर्वाचन क्षेत्र मैसूर में रहते हैं और उन्होंने एक नए संसद भवन का दौरा करने के लिए पास का अनुरोध करवाया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि सागर के पिता लगातार उनके निजी सहायक और उनके कार्यालय में के संपर्क में थे ताकि सागर शर्मा संसद का विजिटर मिल सके। सिम्हा ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उन्हें इससे जुड़ी इतनी ही जानकारी पता है और इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते। बता दें कि आरोपी सागर शर्मा द्वारा प्रताप सिम्हा के नाम से जारी विजिटर पास का इस्तेमाल कर लोकसभा में एंट्री का मामला गर्माता जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि माँ बाप को बताकर आया था संसद का घुसपैठिया, कहा था सेना की भर्ती के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। जी हाँ, संसद भवन के बाहर बुधवार को विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमोल शिंदे ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में अपने परिवार से कहा था कि वो सेना के भर्ती अभियान में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहा है। आपको ये बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेन के पीछे 6 लोगों का कुल हाथ है जो पहले से ही तैयारी करके आए हुए थे। भगत सिंह फैन क्लब के हैं ये सदस्य। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ये सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और गुरुग्राम में एक ही घर में रह रहे थे। इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी योजना बनाई थी और इसके लिए रेकी भी की थी। सूत्रों के अनुसार सभी आरोपी भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के सदस्य हैं और लंबे समय से उससे जुड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने स्प्रे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पर्चे या झंडा फेंककर विरोध जताने से किसी को चोट लग सकती थी। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इन आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिन्होंने संसद में घुसने की तो सबसे बड़ी हिमाकत की, जो कि सबसे बड़ी गलती की, और ऐसे में देश के धरोहर को हिला देने की जो कोशिश की गई है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया ऐसा बयान कि चीन और कनाडा के उड़ गए होश। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे चीन समेत कई देशों को बिजली जैसा झटका महसूस होने लगा। भारत के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सेना बनाए जाने के खिलाफ रणनीतिक संतुलन सुनिश्चित करने में भारत एक अनिवार्य साझेदार है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अपने संबोधन में नव नियुक्त उच्चायुक्त ने एक खुला, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र रखने की इच्छा जताई। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्ष यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत क्षेत्र को एक ही नजरिए से देखते हैं और जानते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां 70% लोग नहीं चाहते प्रधानमंत्री बने रहे ऋषि सुनक जी। सबसे खराब स्तर पर पहुंची इनकी रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की लोकप्रियता में खासी गिरावट आई है। ये जानकारी यू गवर्नमेंट की एक साइट की ओर से किए गए सर्वे में सामने आई है। ऐसा उनका सरकार की ओर से लाई गई रवांडा पॉलिसी के चलते हुआ है। सर्वे के अनुसार 70% लोगों का रुख प्रधानमंत्री के खिलाफ है और 21% लोग उनके समर्थन में हैं। सुनक को पसंद करने के मामले में अब उनकी रेटिंग -49 हो गई है, जो नवंबर के मुकाबले 10 अंक कम है। सुनक पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे और ये उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है। सर्वे के मुताबिक साल 2019 में सुनक की टोरी पार्टी को वोट करने वालों में से 56% प्रधानमंत्री को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं, 40% लोगों ने उन्हें लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। बताते चले कि ऋषि सुनक अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनक की पार्टी एक अंदरूनी विवाद का सामना भी कर रही है जिसने शरण चाहने वाले लोगों को रवांडा भेजने की उनकी मुख्य पॉलिसी पर भी खतरा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जिस प्रकार से ऋषि सुनक जी अपने सरकार को चला रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो वहाँ की जनता को 76% जनता को पसंद नहीं आई है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग भारत मूल के ऋषि सुनक को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या उनमें कमी रह रही होगी। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां आप तो बलवान है पहलवान है पीओके को छीन कर लाइए। जी हाँ, जब अधीरंजन चौधरी ने अमित शाह जी को दिया ये चैलेंज, बता दे लोकसभा में कांग्रेसी नेता अधीरंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चुनौती देते हुए कहा कि आप तो बलवान हो पहलवान हो, पीओके को छीन
कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं, आप करके दिखाइए, पीओके को हासिल करके दिखाइए। चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री को चुनाव से पहले ये करके दिखाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, ये बताएं कि पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गए थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर कहते हैं कि हम पीओके को देश में लेकर आएंगे, लेकिन आज पीओके का सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, 3000 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। आप कहते हैं कि पीओके की ओर से किसी को नुमाइंदा बनाएंगे, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, आप तो बलवान हो, पहलवान हो, तो आप पीओके को छीन कर लेकर आओ। हम ये देखना चाहते हैं, आपने लद्दाख में क्या किया है ये बताइए, आप अक्साई चीन पीओके कब लेकर आएंगे। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि सुबह शाम नेहरू के खिलाफ अनवेरिफाइड बातें मत किया कीजिए, सिर्फ आरोप लगाना सही नहीं होता है, आज इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अपराधी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं लोकसभा में उस समय भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय द्वारा धारा 370 को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और समान नागरिक संहिता को भाजपा का सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा बताने पर आपत्ति जताई। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी ने पीओके को लेकर अमित शाह जी को घेरने की कोशिश की, अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में मोदी सरकार ये भी करके दिखा सकती है और पीओके फिर से भारत के साथ जुड़ जाएगा, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर लिखिएगा दोस्तों भारी मात्रा में। और सामने जो जो मानता है कि पीओके फिर एक बार भारत से जुड़ेगा वो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जो सामने लाइक का बटन है दबा दीजिए। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देशों के संगठन ने कही ऐसी बात कि भारत ने भी सुना दी खरी खरी बता दें। भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय के मुहर लगाने के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC द्वारा की गई टिप्पणी को बुधवार को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने कहा कि बयान गलत सूचना तथा गलत मंशा पर आधारित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मानवाधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले और बिना किसी पछतावे के सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की शह पर OIC की ओर से की गई टिप्पणियां उसके कृत्य को और संदिग्ध बनाती है। बागची ने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन स्पष्टतः इशारा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने कहा कि भारत उच्चतम न्यायालय के फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिवालय की ओर से जारी बयान को खारिज करता है, यह गलत सूचना और गलत मंशा पर आधारित है। बागची ने कहा कि OIC ने मानवाधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले और बिना किसी पछतावे के सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के इशारे पर ऐसा किया है तथा यही बात उसके इस कृत्य को और संदिग्ध बनाती है। ऐसे बयान OIC की विश्वसनीयता को कमतर करने का काम ही करते हैं, वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे। एक और खबर की बात करें जहां पर चीनी रेल लाइन के झांसे में फंसा नेपाल तो हो जाएगा बर्बाद। विशेषज्ञों ने प्रचंड सरकार को दी बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां, चीन आर्थिक रूप से नेपाल को गुलाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसके लिए चीन ने नेपाल में रेल लाइन बिछाने पर बातचीत शुरू कर दिया, लेकिन विदेश नीति विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि नेपाल को चीन की रेल लाइन से बचना चाहिए। उन्होंने रेल लाइन विकास से जुड़ी भौगोलिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों का हवाला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेपाल इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता है तो इसका हाल भी श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह जैसा ही होगा, जो मुनाफा से दूर खुद की बिजली का बिल चुकाने भर की कमाई भी नहीं कर पाता है। अगली खबर बता दें, यूट्यूबर के बेतुके सवाल पर पाकिस्तानी की जनता का जवाब, कहा पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले में क्या इंडिया का है हाथ, बता दें पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना पर मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले ने पड़ोसी मुल्क को झकझोर कर रख दिया है। इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए जबकि 34 सैनिक घायल हो गए। आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के चेक पोस्ट का निशाना बनाया। अब इस घटना के बाद पाकिस्तानी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी इस हमले के लिए खुद पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं और कुछ का कहना है कि पाकिस्तान ने जो खाई दूसरों के लिए खोदी थी आज वो उसी में गिर रहा है। वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी युवक कहता है कि हमें अपने पड़ोसी देशों से सुरक्षा का खतरा बनता रहा है, ईरान और अफगानिस्तान खासकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी युवक ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि उसे अब इन सब चीजों से मतलब नहीं है, भारत अपने तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो खुद को इन तरह की चीजों से दूर रखने का प्रयास शुरू से करता आया है। जी हां, यानी कि दोस्तों भारत वाले सवाल पर पाकिस्तानियों ने क्लियर मना किया है कि भारत का इसमें हाथ नहीं है, भारत अब तरक्की की ओर देख रहा है और भारत कभी भी आतंकवादियों में नहीं रहा। चलते हैं खबर की तरफ जहां
हमास से युद्ध में अमेरिका इजराइल के बीच आई खटास। बाइडेन ने कहा वैश्विक समर्थन खो रहे हैं नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच अभी भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में कुछ देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इजराइल को। इस जंग में अमेरिका खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहा है और उसके लिए अन्य देशों का भी सपोर्ट जुटा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में खटास आ गई है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल की सेना जमीन और आसमान से बमबारी और फायरिंग कर रही है। हमास के लड़ाकू घनी आबादी के बीच से वार कर रहे हैं। अब इजराइल और हमास की जंग में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर अमेरिका काफी नाराज है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि गाजा पट्टी में भारी गोलीबारी और बमबारी से निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, जिससे इजराइल लगातार अपना वैश्विक समर्थन खोता जा रहा है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी युद्ध नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। बाइडेन ने इजराइल के खिलाफ ये बात एक कार्यक्रम में कही और इस प्रोग्राम में कई यहूदियों ने भी शिरकत किया था। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां यमन ने फिर लाल सागर में दागी कई मिसाइलें, बच निकला भारत से जा रहा जहाज, यूएस युद्ध पोत ने किया जवाबी हमला। जी हां, इजराइल हमास युद्ध के चलते गाजा में मचे कोहराम के विरोध में यमन लगातार विभिन्न देशों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल के साथ ही उसका साथ और समर्थन देने वाले अन्य देश भी यमन के निशाने पर हैं। यमन का मुख्य टारगेट लाल सागर है, जिस रास्ते में से इजराइल को हथियार और अन्य सहायता दूसरे देशों द्वारा पहुंचाई जा रही है। विशेष तौर से अमेरिका लाल सागर के जरिए इजराइल की भिन्न प्रकार से मदद कर रहा है, मगर इस बीच फिर यमन क्षेत्र से बुधवार को लाल सागर में ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी गई, हालांकि जिसकी जिम्मेदारी यमन या अन्य किसी संगठन ने नहीं ली है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तानियों के लिए काल बनेगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। अपनी ही सरकार ने ऐसे जुल्म के जाल में फंसा डाला। बता दें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वहां के लोगों में खलबली मच गई है। दरअसल पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सैन्य अदालतों में आम नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने 23 अक्टूबर के सर्वसम्मत के लिए गए अपने उस फैसले पर सशस्त्र रोक लगा दी, जिसमें उसने सैन्य अदालतों को आम नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानियों पर बड़ी आफत आ गई है। पाकिस्तान की उनकी अपनी ही सरकार ने अपने देश के कुछ लोगों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एक और खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा, कहा रशिया ने अपनी युद्ध पूर्व सेना का करीब 90% हिस्सा खो दिया है। जी हां, रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया। इस बात को करीब 22 महीने हो गए हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय से चली आ रही जंग में दोनों पक्षों के काफी लोग हताहत हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपना आकलन कांग्रेस के साथ साझा किया। इससे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की सैन्य क्षमताओं पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव का पता चलता है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर निज्जर हत्याकांड मामले में भारत के खिलाफ आरोपों पर बोले जस्टिन ट्रूडो, कहा भारत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। बता दें, भारत कनाडा गतिरोध के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि भारत में जो भी रिपोर्ट किया जा रहा था उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने 18 सितंबर को घोषणा की थी क्योंकि उन्हें मीडिया के जरिए जानकारी लीक होने का संदेह था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बहुत सारे कनाडाई चिंतित थे कि वो असुरक्षित हैं, इनसिक्योर हैं। निज्जर की हत्या के तुरंत बाद से ही चिंताएं जताई जा रही थी। हमने सुनिश्चित किया कि हमारी सुरक्षा सेवाएं लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पोप फ्रांसिस की बहुत बड़ी इच्छा मरने के बाद वेटिकन गुफाओं में नहीं और इस जगह दफनाया जाए। मुझे बता दें, पोप फ्रांसिस का कहना है कि वो चाहते हैं कि उन्हें अन्य पोप की तरह वेटिकन की गुफाओं में नहीं बल्कि रोम के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका, जो कि एक विशेष चर्च है दोस्तों, उसमें दफनाया जाए। आम तौर पर पोप को उनके निधन के बाद वेटिकन में दफनाया जाता रहा है। पोप फ्रांसिस रविवार को 87 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बावजूद उन्होंने इस साल इस्तीफा देने के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि अगले साल उनकी बेल्जियम यात्रा तय है और पोलिनेशिया तथा अर्जेंटीना की यात्रा के बारे में विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम धमाका, दो छात्र घायल, मच गया हड़कंप। जी हां, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम धमाका होने से हड़कंप मच गया है। ये एक देसी बम था जो पीसीबी हॉस्टल के रूम नंबर 68 में फटा। मिली जानकारी के मुताबिक एक छात्र द्वारा देसी बम बनाते समय ये धमाका हुआ। बम फटने से
दो छात्र घायल हुए हैं। घायल छात्र को SRN हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां पर पोलैंड सांसद ने सदन में कर दी अजीब हरकत, हक्के बक्के रह गए सदस्य, मच गया हड़कंप। जी हां, लगातार सुर्खियों में बने पोलैंड देश को डोनाल्ड टस्क के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया है। मातोश मोरावस्की के विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क ने देश की सत्ता संभाली। इस बीच धुर दक्षिणपंथी सांसद ग्रेज गोलन ब्राउन ने संसद लॉबी में ऐसी अजीब हरकत की है कि संसद सदस्य हक्के बक्के रह गए। अचानक हड़कंप मच गया। वार्षिक हनुक्का समारोह के लिए स्पीकर सिमोन होलोनिया ने बच्चों समेत कई यहूदियों को सदन में आमंत्रित किया था। जगोरज ब्राउन ने संसद लॉबी मोमबत्तियां बुझाते हुए जो कुछ कहा उससे हंगामा खड़ा हो गया है। अगली खबर की बात करें जहां पर एमपॉक्स को लेकर बड़ी खबर, जापान में एमपॉक्स से हुई पहली मौत, WHO के लिए बढ़ सकता है सर दर्द। जी हां, जापान में एमपॉक्स से संक्रमित होने के कारण एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये एमपॉक्स संक्रमण के कारण देश में पहली मौत है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एमपॉक्स के कारण सैतामा प्रांत में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। गौरतलब है कि बीते मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि एमपॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ऐसे में जापान का ये ताजा मामला चिंता का विषय बन सकता है। अगली खबर बता दें, जहां शपथ लेते ही मोहन यादव ने अपनाया योगी जी का स्टाइल, धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ ग्रहण करने के बाद एक्शन में आ गए। उन्होंने बुधवार को आदेश दिया कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। पदभार लेने के बाद मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और विभागों के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन यादव ने कहा कि खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जनता की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक्सलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। 52 कॉलेज का चयन भी किया गया है जिनको प्रधानमंत्री एक्सलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। अगली खबर बता दें, जहां विष्णु देव साहब बने छत्तीसगढ़ के नए CM, PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ली शपथ। जी हां, PM मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी सहित अन्य दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ CM पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने PM मोदी का आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ डिप्टी CM अरुण सावर, विजय शर्मा ने भी डिप्टी CM पद की शपथ ली। ऐसे में विष्णु देव साय को आप लोग कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के CM बनने के लिए। बहरहाल इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।